ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैना देवी से कांग्रेस पार्टी विधायक रामलाल ठाकुर को कांग्रेस हाईकमान द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में रामलाल ठाकुर को 2 जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि 9 विधानसभा हल्के में पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए रामलाल ठाकुर रणनीति बनाकर प्रदेश के विधायकों और पूर्व विधायकों की जिम्मेदारी तय करें। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचली वोट बैंक को अपने हक में लाने के मकसद से कांग्रेस हाईकमान द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर को 2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि 2 जिलों में 9 विधानसभा हलके शामिल हैं, जिनमें दिल्ली सदर बाजार के 5 और राजौरी गार्डन के 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी से रामलाल ठाकुर खुश नजर आ रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने की बात कह रहे हैं। साथ ही रामलाल ठाकुर ने आगामी 20 जनवरी से 6 फरवरी तक अपने 9 विधानसभा हलकों में हिमाचल प्रदेश के विधायकों व पूर्व विधायकों की जिम्मेदारियां तय कर फील्ड में जाने और रैलियां आयोजित करने की बात भी कही है। पहली बात तो यह है कि जो आर्थिक ढांचा मुल्क का है वो तहस नहस हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति जो दुनिया में जो है वो माने हुए अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा है। और ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, ये हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है, जिससे हो ही रहा है कि आज जो नौजवान है उनको रोज़गार जो है उससे हाथ धोने पड़ रहे हैं। और साथ में अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जो महंगाई है वो इतनी चरम सीमा तक आई है, खाद्यान्नों के भाव बढ़े हैं, डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, गैस जो है, जो कुकिंग गैस है उसके भाव बढ़े हैं। ये जो स्थानीय मुद्दे हैं जो मुल्क के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उससे लोगों का ध्यान जो है वो हटा के एक नए तरीके से जो है वो बात चीज़ों को और समस्याओं को परोस के अपनी चुनाव वितरणी नदी को पार करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान समझते हैं कि रोज़गार जो है वो पिछले इन वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब से रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है, महिलाओं से और मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यकों से जो अत्याचार है उनमें बढ़ोतरी हुई है, तो ये चुनाव जो है ये मैं कहना चाहूँगा कि ये अलग ढंग से चुनाव होंगे और इन मुद्दों को भी ध्यान में रख के जो है वो लोग, आम आदमी पार्टी की सरकार तो है, आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है वो सरकार कह रही है हमने पानी के रेट कम कर दिए, गरीबों का पानी जो है वो मुफ्त में कर दिया, बिजली के रेट हमने बढ़ा दिए, शिक्षा के ऊपर हमने ये कर दिया। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये मालूम है कि शीला दीक्षित जी ने 15 सालों के अंदर जो है वो दिल्ली की तस्वीर बदली है। आज के जो ये जो आपके फ्लाईओवर्स हैं, या मैं कहूँगा कि जो दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है परिवहन व्यवस्था, उसमें अगर सुधार हुआ है तो वो 15 सालों का काम जो है उसको नहीं बुलाया जा सकता। और दिल्ली के अंदर बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई थी। दिल्ली अगर राज्य का दर्जा मिला है तो उसका श्रेय भी मैं कहूँगा कि इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को, उस सारा श्रेय जाता है, मनमोहन सिंह जी को जाता है।